सो दोस्तों वेलकम आप सभी का एक और नई वीडियो में। सो गाइस सभी के टाइम पे जैसे आप लोग गेम को ओपन करने जाओगे तो आप लोग का गेम जो है गाइस ओपन नहीं होगा एंड वहाँ पे लिख के आएगा फ्री फायर मेंटेनेंस करके। तो गाइस इस वीडियो में लोग यही बात करने वाले कि क्यों लिख के आ रहा है एंड यहाँ पे फ्री फायर गेम कब तक बंद रहने वाली है एंड कैसे आप लोग यहाँ पे ओपन कर पाओगे, कब तक ओपन होगी, तो ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। एंड इसी के साथ यहाँ पे हम लोग कुछ न्यू अपकमिंग इवेंट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट वेमर रॉयल, नेक्स्ट डैमर रॉयल, नेक्स्ट गोल्ड रॉयल कौन सा होने वाला है। इसी के साथ यहाँ पे आप लोगों को कौन कौन से फ्री रिवॉर्ड मिलने वाले हैं, यहाँ पे रैंक टोकन का बंडल कौन सा आने वाला है, तो ये सब जानने के लिए बस वीडियो को पूरा देखना एंड वीडियो को अभी से लाइक जरूर से कर दो एंड चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सो यहाँ पे हम लोग जो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारा गेम कब तक ऐसे रहेगा, कब तक यहाँ पे ओपन होगा। तो यहाँ पे देखो ये अपडेट जो है गाइस अभी सुबह के 9:30 बजे या 10 बजे से स्टार्ट होगा एंड यहाँ पे ये अब कब तक रहेगा, तो गाइस ये यहाँ पे आप लोगों का 5:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा, ठीक है। तो गाइस आज यहाँ पे फ्री फायर गेम का मेंटेनेंस है जिस वजह से यहाँ पे ऐसा रहेगा। बाकी यहाँ पे आप लोग 11:30 बजे के आसपास प्ले स्टोर पर जाकर के फ्री फायर मैक्स को अपडेट कर सकते हो एंड ओपन देखो 5:30 बजे होगा शाम को, ठीक है। बाकी एक और चीज़ यहाँ पे फ्री फायर का अभी तक नहीं पता चला कि फ्री फायर को कैसे अपडेट करना है, कैसे यहाँ पे डाउनलोड करना है। तो जब ये अपडेट हो जाएगा गेम फ्री फायर मैक्स, और अगर फ्री फायर में कुछ भी दिक्कत आ रही होगी तो मैं वीडियो बना के शाम को बता दूंगा कैसे अपडेट करना है, कैसे ओपन करना है, ठीक है। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। सो यहाँ पे ये तो बात होगी हमारी फ्री फायर गेम कब तक ऐसे रहेगी, कब ओपन होगी। तो अभी बात कर लेते हैं हम लोग कुछ न्यू इवेंट अपडेट के बारे में जो कि हमारे यहाँ पे फ्री फायर अपडेट होने के बाद आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इवेंट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। ये इवेंट आज रात 12 बजे आया था लेकिन यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा था, जिस करके यहाँ पे इसमें आप लोग यहाँ पे स्पिन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे आप लोगों का जो गाइस ये इवेंट है गाइस जो अपडेट के बाद यहाँ पे ओपन होने के चांसेस है, मतलब जैसे गेम अपडेट होगा शाम को ये इवेंट जो हमारा ओपन हो जाएगा, ठीक है। एंड वापस से आप लोग इसमें स्पिन कर पाओगे एंड इसमें कुछ 824 डायमंड या फिर 1084 डायमंड लगने वाले हैं, तो बचा के रख लेना आप लोग डायमंड, ठीक है। सो दोस्तों इसी के साथ यहाँ पे शाम को जब गेम अपडेट होगा तो यहाँ पे आप लोगों को जो गाइस मैजिक क्यूब ये भी फ्री मिलने वाला है, मतलब आप लोग गेम जैसे अपडेट करोगे उसके बाद यहाँ पे ओपन करोगे और यहाँ पे 1 मिनट गेम खेलने से आप लोग यहाँ पे फ्री का मैजिक क्यूब भी मिलने वाला है। सो दोस्तों यहाँ पे इसी के साथ आप लोग यहाँ पे शाम को जैसे गेम लॉगिन करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को 2 डायमंड रॉयल वाउचर, 2 वेपन रॉयल वाउचर, इसके साथ यहाँ पे 2 इंक्यूबेटर वाउचर भी आप लोग फ्री मिल जाएंगे, मतलब गेम को जैसे लॉगिन करोगे यहाँ पे आप लोगों को ये क्लेम करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारे यहाँ पे फ्री के रिवॉर्ड जो हमको मिलने वाले शाम को। अभी बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ और न्यू इवेंट अपडेट के बारे में। सो दोस्तों यहाँ पे अपडेट के बाद आप लोगों को जो लॉबी मिलने वाली है वो यहाँ पे कुछ इस टाइप की यहाँ पे लॉबी देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। इसी के साथ यहाँ पे ये जो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे लोडिंग स्क्रीन है, मतलब जब लोग गेम को लॉगिन करोगे तो यहाँ पे ये वाली लोडिंग स्क्रीन आएगी जो कि काफ़ी अच्छा है, रैम्पेज पे बेस्ट है रैम्पेज इवेंट पे। तो इसी के साथ यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट जो रैंक टोकन बंडल जो कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये यहाँ पे पूरा रैंक टोकन बंडल है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी ओपी बंडल है एंड आप लोग इसके लिए बस स्ट्रॉन्ग रैंक टोकन चाहिए होंगे जो कि आप लोग रैंक खेलने से क्लेम कर सकते हो, मिलते हैं आप लोग रैंक खेलने से। सो दोस्तों अभी हम लोग बात कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट जो गोल्ड रॉयल बंडल होने वाला है जो कि अपडेट के बाद आप लोग देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा गोल्ड रॉयल बंडल है, इसी के साथ यहाँ पे नेक्स्ट वेपन रॉयल 3-4 दिनों के बाद जो अपडेट होने वाला है वो यहाँ पे ये वाला मैग 10 का स्किन होगा और यहाँ पे इसी के साथ यहाँ पे 3-4 दिन के बाद ही आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट डायमंड रॉयल बंडल भी देखने को मिल जाएगा जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है। सो दोस्तों अपडेट के बाद आप लोग यहाँ पे न्यू फीचर देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे लैब करके होगा और यहाँ पे आप लोग जो ईवो बंडल होते हैं जैसे कोबरा बंडल या फिर गुजिया अड्डे वाला बंडल था तो वो आप लोग यहाँ पे अलग से इसमें देखने को मिलेगा जो कि मेरे को काफ़ी अच्छा फीचर लगा, मतलब यहाँ पे इनको ढूंढने के लिए अलग कहीं नहीं जाना पड़ेगा, मतलब जो हम पहले वॉल्ट में ढूंढते थे अभी यहाँ पे इसी में अलग दे दिया गया इसका फीचर जो कि काफ़ी अच्छा अपडेट है ये। सो दोस्तों यहाँ पे अब मैं आप लोगों को कुछ अपकमिंग इमोट दिखाने वाला हूँ जो कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। ये हमारे अपकमिंग इमोट्स होने वाले हैं, यहाँ पे ये जो इमोट देख पा रहे हो यहाँ पे सेकंड इमोट है एंड ये हमारे M4A1 जो हमारे ईवो M4A1 आने वाले है उसका यहाँ पे इमोट है जो कि काफ़ी अच्छा है। बाकी यहाँ पे डायमंड लग जाएंगे बहुत सारे इसमें, बाकी यहाँ पे थर्ड नंबर वाला ये इमोट है जो कि आप लोग देख सकते हो, ये कुछ यहाँ पे बुक वाला इमोट है काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। बाकी यहाँ पे ये वाला तो मतलब क्या ही बोले यार, मतलब एक रील चलता है ना मतलब कच्चा बादाम वाला वैसा करके यहाँ पे इमोट है। यहाँ वापस से देख लो आप लोग यहाँ पे कुछ इस टाइप का यहाँ पे इमोट होने वाला, मतलब अलग ही लेवल का भाई गिर ना, अलग ही लेवल का, मतलब यहाँ पे गेम में आएगा तो मतलब क्या ही होगा, मेरे को देखना है एक बार मतलब जो आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना था, बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड कुछ आपके अपडेट वगैरह छूट गए जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी कवर कर दूंगा। बाकी अभी के लिए इतना था, बाकी मैं आपसे बोलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। जय हिंद जय भारत।